बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा आम चुनाव के समय संगम में डुबकी लगाने व शाही स्नान करने आदि से इनकी सरकार की पिछली लगभग 5 वर्षों में की गई घोर चुनावी वादा खिलाफी, जनता से किया गया इनका विश्वासघात, अन्य और भी अनेकों प्रकार की सरकारी जुल्म, ज्यादती व पाप धुलने वाला नहीं है। वैसे भी काफी अपरिपक्व तरीके से देश पर थोपी गई नोटबंदी, जीएसटी, जातिवादी द्वेष, सांप्रदायिकता, गरीबी व बेरोजगारी आदि की जबरदस्त मार से त्रस्त देश की करीब 130 करोड़ आम जनता बीजेपी सरकार को इनके कारनामों के लिए इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं है। और जहां तब अब ठीक चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति माह देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सवाल है, तो यह स्पष्ट है कि बीजेपी की श्री नरेंद्र मोदी सरकार को खेती खलिहान व किसान आदि के बारे में समझ न केवल बहुत ही आधी अधूरी है बल्कि नादान भी। इस संबंध में सबसे पहले इन्हें किसान और खेतिहर मजदूरों में अंतर समझना चाहिए। इनकी 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने की घोषणा वास्तव में दैनिक मजदूरी करने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए होनी चाहिए थी, ना कि किसानों। सरकारी भेंट का एहसान नहीं चाहिए बल्कि किसान को उसकी उपज व वाजिब लाभकारी मूल्य चाहिए तथा अन्य बेरोजगार लोगों को रोजगार व मेहनतकश लोगों को काम व अपनी जायज मजदूरी का भुगतान चाहिए। बीजेपी सरकार केवल इसी को सुनिश्चित कर दे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।